S10 प्लस आ चुका है हाथ में और इसकी मस्त मस्त टेस्टिंग बची है जो हमने करी है और थोड़ी आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे कम से कम फ्यूचरिस्टिक से फीचर है इस वाले फोन में, बट भाई जितना महंगा फोन होता है उतने से हल्की छोटी मोटी कमियां भी उसमें ऐसे बहुत बड़ी सी हो जाती है। तो सारी बताने की कोशिश करता हूँ, एंड तक देखना, मजेदार वीडियो होने वाली है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्वालक, आप देख रहे हैं ज्वालक टेस्ट। चलो स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, जो इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी है ना भाई, वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। मतलब बाहर देखो अंदर देखो हर चीज में बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले है। और इसमें वो नॉच भी है, वो भी मतलब नॉच नहीं यार, मतलब जो छेद है, जो भी टीका, जो भी बोलना चाहो उसको, वो भाई ऐसे अलग से दिखता है जो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि सैमसंग ने जितने भी वॉलपेपर्स डाले हैं इस फोन में वो सारे अंधेरा कायम रहने वाले। मतलब ऐसे इस साइड से चंद्रमा आ रहा है, अपना अंधेरा हो रखा है, बट बाकी सारे जगह उजाला है। तो ठीक है यार, इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। बट मैं इसको नॉर्मली भी लेके जाता हूँ ना जिम विम में, तो बंदे देखते रहते हैं कि भाई क्या अलग सा ऐसे छेद सा वाला डिस्प्ले है, तो मेरे को ऐसे फेमस सा लगता है। और सैमसंग ने एक और काफी नई सी चीज करी है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर डाला है, जो है स्क्रीन बंद में भी अगर आप अंगूठा लगाओगे तो खुल जाता है। और सैमसंग क्लेम कर रहा है कि भाई पानी वानी लगाओ या धूल मिट्टी कुछ भी लगे हो भाई सब में खुल जाएगा, तो उसी की फटाफट टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो मैं सारी सामग्री ले आऊँ, ये मतलब पानी और ये पाउडर और ऑफ कोर्स जैस्मीन का तेल, मतलब नारियल वाला तेल। तो सबसे पहला टेस्ट पानी के साथ में, अंगूठा डाल लिया है और अब इस गीले अंगूठे के साथ मैं अनलॉक करने की कोशिश करूँगा। तो भाई आराम से अनलॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। तो भाई पानी के साथ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, बट नेक्स्ट जैस्मीन का तेल है हमारे हाथ में, इसको भी अंगूठे पे डाल लेते हैं थोड़ा सा। ओ भाई नीचे गिर गया, सो सॉरी। तो भाई ये थोड़ा लेवल अप कर लिया, देख लो भाई चमक रही है, अंगूठा चमकता हुआ दिख रहा है और तेल के साथ भी भाई बढ़िया से अनलॉक हो रहा है, बट स्क्रीन थोड़ी सी गंदी हो गई है। भाई बढ़िया चल रहा है भाई, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तेल के साथ मेरा नॉर्मल वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं चलता भाई। नेक्स्ट वाला करेंगे हम टैल्कम पाउडर के साथ, जो मैं पहले से गिरा चुका हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था। तो भाई ये मेरे अंगूठे में टैल्कम पाउडर लगा हुआ, तो इसके साथ भी टेस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं और बड़े आराम से खुल जा रहा है यार। तो भाई ऐसे नहा के निकले और फिंगरप्रिंट अनलॉक करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे रोटी बनाते बनाते हल्का सा आटे वाले हाथ से भी ऐसे दिक्कत नहीं होगी, गोलगप्पे खाते टाइम भी नहीं होगी, मतलब समझ गए ना आप। तो अगर इस फोन की डिजाइन की बात करें तो भाई बैक साइड में भी ग्लास है, फ्रंट साइड में भी ग्लास है, बैक वाइट और ब्लैक एंड वाइट, बट कलर अच्छे आते हैं स्क्रीन में। इतना घटिया जोक भाई। तो भाई जब मैंने पहली बार इस फोन को पकड़ा था अपने हाथ में, तो मेरे को भाई काफी ऐसे कंफर्टेबल सा और हल्का सा लगा था, क्योंकि ऐसे कुछ भी ऐसे हार्ड एज नहीं है, पूरा ऐसे कर्व्ड है, यहाँ से भी कर्व्ड है और एकदम गोल है लेकिन स्क्वायर है, बट दिल की भावनाओं को समझ जाएगा। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, सैमसंग का फोन जब भी हाथ में आता है ना, सबसे पहली चीज जिसकी टेस्टिंग होती है वो होता है यूजर इंटरफेस, क्योंकि काफी सारे ऐसे टचेस में मैंने ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बट ये जो सैमसंग के नए वाले फ़ोन आ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पुराने वालों से, क्योंकि पहली बात तो जो पुराने वाले फ़ोन्स में बेकार की ऐप्स होती थी ना, वो इसमें आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती, बट एक बिक्सबी वाला बटन दे रखा है, कभी आपको गलती से दबा दो तो ऐसे खुल जाएगा, वो हेलो बिक्सबी चिल्लाती रहती है, बट बाकी सब मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दूँ, तो ऊपर से मैं जब स्क्रॉल करता हूँ तो ये भाई पूरा नीचे की साइड आ जाता है और यहाँ पे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल होता है, बाकी सारे फोन में ऊपर ऊपर होता है, ब्राइटनेस वाला ऊपर ऐसे करके करना पड़ता है, बट इसमें काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसमें नाइट मोड भी है जिसमें पूरा काला काला हो जाता है, जो एक्चुअल रात में अगर यूज़ कर रहे हो तो बढ़िया रहता है, आपकी बैटरी बचा देगा अगर इस वाले मोड में चलाते हो, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। और मेरे को इस वाले फोन में एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर ये लगा कि समझ लो आपने यूट्यूब वाली एप्लीकेशन खोल रखी है और उसमें अगर आपको ऐसे वॉल्यूम बढ़ानी है तो ऊपर की साइड ऐसे छोटा सा बार आ जाएगा, तो आपका सब्सक्राइब बटन कभी नहीं ढकेगा, तो बढ़िया से टेक बर्नर को सब्सक्राइब करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई नॉर्मल फ़ोन में कर रहे हो तो अभी वॉल्यूम बढ़ाने से पहले कर लो, ज़िंदगी के मज़े असली लेने हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल मसाले के बारे में जो इस फ़ोन के अंदर है, और ऐसे जो पाउडर फैलाया था उसकी बात नहीं कर रहे, एक्चुअल कैमरा वैमरे की बात कर रहे हैं। चल चल कैमरा दिखा। तो सबसे पहली बात, जो फ़ोन के बैक साइड वाला कैमरा है वो मेरे को बहुत ही तगड़ा लगा, मतलब तीनों मोड्स में, मतलब जो तीन कैमरा है बैक साइड में, तीनों में बहुत ही तगड़ी डिटेल आती है। और ये वाला तीसरे कैमरे के साथ है जो टेलीफोटो है, अगर मैं वाइड एंगल से शिफ्ट करता हूँ तो आपको समझ में आ रहा है भाई एक्चुअल कितना ज़्यादा फ्रेम में ले लेता है और काफ़ी
मतलब इंटरेस्टिंग से ऐसे दिखने में लगता है। और काफ़ी सारे फोन्स में होता है कि वाइड एंगल कैमरा खाली दिखाने का होता है, डिटेल डिटेल कुछ खास आती नहीं, बट इसमें एक्चुअल बहुत तगड़ी डिटेल आती है और मस्त लगता है। और नॉर्मल वाला भी, वो नॉर्मल वाला तो भाई तगड़ा है ही। और बाकी जितने फ्लैगशिप वाले फीचर होते हैं वो एकदम सुपर स्लो मोशन वाली वीडियो और उसके साथ ऐसे बढ़िया से बैकग्राउंड ब्लर करना आपको, या वो सब कुछ मिल जाता है आपको देखने के लिए। बट जब बात आती है फ्रंट कैमरे की ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। हाँ वैसे आपको इमोजी इमोजी तो मस्त देखने के मिलते हैं और सारे इफेक्ट वेक्ट तो बढ़िया से हैं, बट एक चीज़ जो इसमें लैक कर रही है वो है डिटेल। अब जैसे ये वाली फोटो मैंने खींची थी, इसमें दाढ़ी का टेस्ट मतलब इतना बढ़िया क्वालिटी की दाढ़ी नहीं आई है, हर बाल ऐसे अलग अलग सा नहीं दिख रहा है, तो वो मेरे को लगा हल्का सा बेटर हो सकता है। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से मस्त है, प्रोसेसर से कुछ कर दें बढ़िया सी, तो और बढ़िया सी लगने लगी फोटो। बट अभी भी मतलब फ्लैगशिप से जब मैं एकदम तगड़े वाले फोन से कंपेयर कर रहा हूँ, उनसे कंपैरेटिवली हल्की सी कम डिटेल है। बट ऐसे ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है आपको अगर ऐसे सेल्फी सेंट्रिक फोन नहीं खरीदना आपको। इस वाले फोन में मेरे को एक चीज़ बहुत ही बढ़िया ये लगी कि ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, जैसे वो स्पीकर है या फिर जो हेडफोन जैक का आउटपुट है या फिर जो वाईफाई की स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। मतलब हर चीज़ टॉप ऑफ द लाइन बोल सकते हो आप। और इसका नॉर्मल स्पीकर का आउटपुट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। मतलब बस भाई और नहीं सुनाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। वैसे जो परफॉर्मेंस की बात आती है ना, तब भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें भाई प्रोसेसर तो ऑफकोर्स ही बात है टॉप ऑफ द लाइन है। इस वाले में एक्जिनोस वेरिएंट लगा हुआ है और ये हल्का सा बॉम हो जाता है बैक साइड से अगर आप गेम थोड़े टाइम खेलते हो तो। बट जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे को स्नैपड्रैगन 845 से बहुत ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि एक तो भाई प्रोसेसर भी बेटर है और इसके साथ जो इसमें मेमोरी भी है ना, वो भी बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की है। तो इसमें 800 Mbps वाली रीड स्पीड आती है, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं फेंकूंगा, मतलब ऑलमोस्ट 30% बेटर है बाकी सारे फ्लैगशिप से, तो ये काफ़ी बड़ी बात लगी मेरे को। तो भाई ओवरऑल अगर मैं इस डिवाइस को सम अप करने की कोशिश करूँ, सैमसंग की तरफ से भाई बहुत ही तगड़ा फ़ोन निकल गया है और इसके साथ आपको भाई काफ़ी फ्यूचरिस्टिक से फीचर भी देखने को मिलते हैं। बट एक दो चीज़ें हैं, जैसे इसकी चार्जिंग जो है वो है तो फास्ट चार्जिंग, बट जो बाकी सारे फ्लैगशिप्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से चार्ज होते हैं आईफोन को हटा के। और सेल्फी में थोड़ी सी डिटेल कम है और हल्का सा वॉर्म हो जाता है गेम खेलते टाइम। बट ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को देखने के, मेरे हो सकता है और भी हो मेरे को जो पता ना हो, एज एकदम इन डेप्थ फुल टू मैं टेस्टर तो नहीं हूँ। ये ज़्यादा चीज़ें हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाएं, और एक्चुअल जो पैकेज बन के आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, आप अगर आपको इसे खरीदना है तो डेफिनेटली खरीद सकते हो, मज़ेदार फोन है। और इतना इस वीडियो के लिए, अगर आपको चले गए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बहुत सारे फोन आ रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस पे कैसी वीडियो बनाऊँ। तो भाई देखते हैं, मस्त मस्त सब पे बनाने की कोशिश करेंगे और देखते रहना मस्त मस्त चीज़ें। ओके बाय।